गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट -4 के ऊपर रूट है इनटू 1 माइनस -64 के ऊपर रूट है। -4 का रूट क्या होएगा, ये 2i हो जाएगा, 2i इनटू ये हो जाएगा 1 -8i। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2i आएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे -16i स्क्वायर आएगा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये 2i +16 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोबारा देखोगे, ये 2i हो जाएगा इंटू 1 माइनस में ये 8i हो जाएगा, और 2i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2i, जब 2i को -8i स्क्वायर से आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे -16i स्क्वायर हो जाएगा, और -16 की जगह -16 आइटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ही, 1 + i/1 की पावर 4 कर दो इसको, इसका एलसीएम ले लेते हैं, आइटा एलसीएम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, i + 1 की पावर क्या आ जाएगा, 4। पावर इक्वल है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते होते हैं इसके, तो क्या आ जाएगा, 1 + i/1 इंटू क्या आ जाएगा, 1 + i/i, और ऊपर पावर कितनी आएगी हमारे पास भी, 4। पावर इक्वल है तो बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 + i का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + 2ab, यानी कि ये आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या है, आइटा, इसकी पावर क्या है हमारे पास, 4 है। ये आ जाएगा 1 - 1 प्लस में क्या हो गया, 2i बाय क्या हो गया, i^4, -1 से +1 कर जाएगा, तो ये क्या आ गया, 2i/i^4, आइटा से आइटा कर जाएगा, तो 2^4 का मतलब 16 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, -i (2i - 1i/8)3 है, तो एक काम करोगे, -i/1 कर दो इसे, इसे 2i/1 कर दो, -1 का क्यूब माइनस होता है, ये क्या आ जाएगा, i^3 / इसका ये हो जाएगा 512 हो जाएगा, ये कर देगा 256 पे, कर देगा 256 पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -i/1 - i/1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, i/1 आ जाएगा, माइनस तो है ही, i^3 की वैल्यू -i होती है माइनस पहले से, तो ये i/ क्या आ जाएगा, 256 ब्रैकेट क्लोज। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -i^3 आ जाएगा बाय 256, और i^3 जो होता है -i के बराबर होता है माइनस पहले से, तो i/256 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a + i/b। आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे कि 2i + 5 का होल स्क्वायर है, इसको किस फॉर्म में बदलना है, a + i/b की फॉर्म में बदलना है, तो a + i/b किसके इक्वल लेके चलोगे, 2i + 5 का होल स्क्वायर, a + i/b इसको सोल्व करोगे तो a² + b² + में क्या आएगा, 2ab, 2 a की जगह 2i है, b की जगह 5 है, a + i/b = 4i² + 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 20i हो जाएगा, a + i/b = -4 + 25 + 20i, तो a + i/b किसके इक्वल आ जाएगा, 21 + 20i के इक्वल आ गया, मतलब a + i/b की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 + 3i (5 + 4i) को a + i/b की फॉर्म में लिखना है, a + i/b = ये लिख दिया, a + i/b = मल्टीप्लाई करोगे 10 प्लस में क्या हो जाएगा, 15i प्लस में क्या हो जाएगा, 8i प्लस में हो जाएगा 12i² a + i/b = 10 + 15i + 8i - 12, क्योंकि i² - 1 के बराबर होता है।
ए प्लस आईटा बी इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस के 23 आईटा, ये हमारा ए प्लस आईटा बी की फॉर्म में क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह से इसे थर्ड पार्ट की बात करें तो माइनस का 2 प्लस 3 आईटा इंटू 3 माइनस 5 आईटा को भी ए प्लस आईटा की बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6 प्लस 9 आईटा मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आईटा माइनस का 15 आईटा स्क्वेयर, ये आ जाएगा ए प्लस आईटा बी इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 9 आईटा प्लस 10 आईटा और प्लस का 15, ए प्लस आईटा बी इज इक्वल टू, ये एडजस्ट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 प्लस 9 आईटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कोशिश करना है, कंप्लीट कर लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।